हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सिंपल से पॉट को यानी गमले को किस तरह एक अच्छा लुक दे सकते हैं। इसमें डिजाइन ऐसे बनाएंगे हम इसमें कि सिंपल पॉट भी कुछ खास बन जाएगा। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमने इस गमले को पूरा व्हाइट सीमेंट से पूरा लगा दिए, व्हाइट सीमेंट पूरा नीचे ऊपर तक जैसे आप देख सकते हैं पूरा इसमें हमने व्हाइट सीमेंट लगा दिए। और उसके बाद में हम इसको थोड़ा चाकू से जो भी खुरदरापन है इसका निकाल देंगे ताकि हमारा पॉट लेवल हो जाए। हो सके तो आप इसको पॉलिश पेपर भी मार दीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको सब बताऊंगा। इसी तरह आप दूसरे पॉट को भी डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है आप किसी भी पॉट में इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो व्हाइट सीमेंट को हमने कला लिया है और थोड़ा इसको ज़्यादा भी पतला नहीं किया है, थोड़ा मीडियम में रख के इसको हम दबा देंगे उंगली और अपने उंगली की मदद से इसको फूल की पत्ती बनाएंगे हम। पहले रफ रफ इसको हम साइड से दबा देंगे ताकि हमारा जो गमला है उसको अच्छी तरह पकड़ ले। उसके बाद में हम उंगली की मदद से इसके अंदर खड्डा करेंगे, जैसे हमारा फूल की पत्ती होती है उसी तरह से लुक देंगे। चारों बाजू से आपको इसी तरह इसको लगाना है। नीचे की साइड में आप जैसे देख रहे हैं हमने जो आपको उसका जो पैर दिख रहा है थी उसमें हमने जो सेलो टेप रहता है बच्चे लोग का रंगीन टेप रहता है उसका जो खाली हिस्सा रहता है उसको हमने सीमेंट में डाल के नीचे चिपका दिए, जिससे हमारे पॉट की हाइट बढ़ गई है। और अभी हम इसकी पत्तियाँ चारों बनाते हैं और आपको बताते किस तरह आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखना अच्छी अच्छी तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप साइकिल के शौकीन हैं तो आप साइकिल की भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप हमारे चैनल पर जाके साइकिल की भी नई नई वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने गैजेट बनाई है और साइकिल को एक अलग ही लुक दिया है। तो अगर आपको हमारे साइकिल का वीडियो देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे आई बटन पर भी आप क्लिक करके तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने फूल बना दिए और अभी हम इसे पानी से टचअप दे रहे ताकि ये एकदम क्लीन हो जाए, स्मूथ दिखे। इसी तरह आपको इस गमले के चारों तरफ फूल बनाना है। लास्ट में आपको पानी से टचअप दे देना है ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए और ये प्लेन हो जाए, एकदम खुरदरापन ना रहे इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखना है तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप साइकिल के शौकीन हैं तो हमने साइकिल की भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, अभी हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो को पूरी देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फूल तैयार हो गया और हम इसमें लाइनिंग मार रहे हैं। बीच में हमने छतरी की गांडी से छोटा छोटा छेद कर दिए ताकि फूल का लुक आ जाए। अभी हमने उसी फूल की तरह चारों ओर इसके गमले के पॉट पे हमने पूरा फूल बना दिए। देखिए कितना खूबसूरत बन गया। और अभी हम देखिए, जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड, हम वाइट पेंट मार रहे हैं, ऑयल पेंट है ये। इसके बाद इसको सूखने के बाद हम पत्ती के ऊपर जो फूल की है अलग पेंट मारेंगे। तो वीडियो बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो लास्ट का हिस्सा था उसमें हमने दो ही पत्ती बनाई क्योंकि उस लास्ट के हिस्से में जगह नहीं थी फ्रेंड। तो उसी तरह अगर आपका लास्ट में एंड बचता है तो आप दो पत्ती बना सकते हैं और अपना गमला पूरा कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी पॉट को लाके एक अलग लुक दे सकते हैं। अभी हमारा पॉट सूखने के बाद हम आपको बता रहे हैं, हमारा पॉट सूख गया है। अभी हम इसमें येलो कलर मार रहे हैं। इसी तरह आपको
गमले के सभी फूल को पत्ती के ऊपर येलो कलर मारना है। अभी हमारा येलो कलर सूख गया है, अभी हम इसे फ्रेंड्स अभी हम मार्कर पेन, जो परमानेंट मार्कर पेन रहता है, उसके इंक लेके हम मार्कर पेन की मदद से इसको साइड का बॉर्डर ब्लैक बनाएंगे और बीच में भी जो फूल के बारी बारी छेद बनाएंगे इससे, और हल्की हल्की लाइन देंगे जिससे हमारे फूल में अच्छा लुक आ जाए फूल की तरह। इसी तरह आपको गमले के चारों ओर फूल के बॉर्डर में ब्लैक मार्कर पेन की मदद से मारना है ताकि हमारा फूल का लुक और अच्छा आ जाए। देखिए अभी हमने मारा है जिस तरह, उसी तरह आपको हर एक फूल पे मारना है। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा पॉट कितना खूबसूरत हो गया, हमने सब पत्तियों में कलर मार दिए। पहले हमारा पॉट किस तरह था और अभी किस तरह डिजाइन हो गया है आप खुद देख सकते हैं, और ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम 3D फूल दिख रहा है ये। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय फ्रेंड्स।